गुड मॉर्निंग क्लास, मैं हिमांशु प्रकाश, क्लास टेंथ के लिए बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, वो था हमारा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमने एक टॉपिक पढ़ा था न्यूट्रिशन, उसके बाद हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन, और नेक्स्ट हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन की, जिसमें कि हम बात कर रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जैसे कोई गाड़ी जब सामान लेकर जाती है तो ऐसे ही हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड है जो सामान लेकर जा रहा है। ठीक है, हमारी बॉडी में हमने जो भी न्यूट्रिशन लिया वो ब्लड में पहुंचा, जो भी हमने ऑक्सीजन ली वो ब्लड में पहुंची, और ब्लड उसको लेकर पूरी बॉडी में कैरी कर गई। ठीक, यानी ट्रांसपोर्टेशन में जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो कर रहा था हमारा ब्लड। ठीक है, ब्लड को हमने देखा तो ब्लड हमारा रेड कलर का था, और रेड कलर का ब्लड होने का रीज़न था उसमें हीमोग्लोबिन नाम के पिगमेंट का प्रेजेंट होना। ये सारी बात हम कल कर चुके थे। ठीक, इसके बाद हमने बात की थी कि इसमें जब वो ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको एक पिकिंग पॉइंट चाहिए। ठीक है, उसको क्या चाहिए, जैसे कोई सामान अब आपका आएगा उसको पिक करने के लिए एक स्पॉट होता है, सेम ब्लड में उस ब्लड को पिक करने के लिए एक स्पॉट होता है, उस स्पॉट को हम कह देते हैं कि वो स्पॉट है हमारा हार्ट, हमारा स्पॉट है हार्ट। ठीक है, हमारे हार्ट वो पिकिंग पॉइंट है जहाँ से ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है, या जहाँ से ब्लड पूरी बॉडी सप्लाई होकर पहुँचता है। ठीक, उसको हमने बोल दिया हार्ट पिकिंग पॉइंट। ठीक, अब हार्ट को हमने क्या बात की थी कि हार्ट हमारे चार चैम्बर से मिलकर बना है, यानी हार्ट क्या है, एक ऑर्गन है, एक सिस्टम है जिसके पास चार चैम्बर प्रेजेंट हैं, चार बॉक्स प्रेजेंट हैं। उसमें हमने कहा वो बॉक्स क्या थे, कुछ एक बॉक्स लेफ्ट में था और एक राइट में था। ठीक, एक हमने बोला पूरा हार्ट हमारा दो पार्ट में डिवाइड, एक लेफ्ट रीजन और एक राइट रीजन। ठीक है, लेफ्ट रीजन फिर से हमारा दो पार्ट में डिवाइड, और राइट रीजन फिर से हमारा दो पार्ट में डिवाइड। इस तरह से हमारे पास टोटल चैम्बर हो गए 4, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक, पूरी बॉडी से जो भी ब्लड आएगा, जो भी पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा है वो सबसे पहले आपका कहाँ पहुँचेगा, हमारा यहाँ पर पहुँचा थर्ड वन। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं, इसको फर्स्ट नाम देते हैं, और इसको सेकंड नाम देते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, और इसको फोर्थ बोलते हैं। ठीक है, ABCD जो भी आपको मना बोल दीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो ब्लड आया वो फर्स्ट वाले चैम्बर में आ गया, जिसको हमने बोल दिया राइट ऑरिकल। ठीक है, क्या नाम दिया हमने, नाम दिया राइट ऑरिकल। यानी अब ये राइट ऑरिकल में जब ब्लड आ रहा है ये बॉडी से आ रहा है, इसलिए ये ब्लड कभी भी प्योर नहीं होगा। पूरी बॉडी में सारी चीज़ें सप्लाई करने के बाद ये ब्लड हमारा आया राइट ऑरिकल के पास, यानी इस ब्लड के पास ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, ये ब्लड है इम्प्योर। ठीक, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड आ गया। अब इस ऑरिकल ने क्या किया, इस ब्लड को वापस से भेज दिया कहाँ पर, सेकेंड चैम्बर में, यानी कि राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इसने क्या करा, इसको भेज दिया एक दूसरे चैम्बर में, इसका नाम था राइट वेंट्रिकल। और जब ये गया तो यहाँ पर एक वॉल प्रेजेंट था जिससे ये ब्लड राइट वेंट्रिकल वाला वापस से लेफ्ट राइट ऑरिकल में ना चला जाए। ठीक है, क्या हुआ भाई, हमें बैक फ्लड को भी क्या करना है, प्रिजर्व करना है, बचाना है, बैक फ्लो को रोकना है, इसलिए यहाँ पर क्या था, एक वॉल प्रेजेंट हुआ, और हमारा जो भी ब्लड था, जो भी इम्प्योर ब्लड था, वो सबसे पहले आया राइट ऑरिकल में, उसके बाद पहुँचा राइट वेंट्रिकल में थ्रू ए वाल्व। ठीक, अब जो राइट ऑरिकल में ब्लड आया है वो बॉडी से आया है ना, तो बॉडी में तो बहुत सारी वेंस, बहुत सारी कैपिलरीज, बहुत सारी आर्टरीज। ठीक, तो यहाँ पर जब ब्लड आएगा तो वो आर्टरी से तो आएगा नहीं, क्योंकि हमने कल बात की थी कि आर्टरीज में प्योर ब्लड फ्लो होता है और वेंट्रिकल्स में या वेंस में क्या होगा, इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। अब बॉडी से इम्प्योर ब्लड आ रहा है, मतलब वो किससे आ रहा है, वो आ रहा है वेंस से, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सारी वेंस मिलकर एक बड़ा पाइप बना लेगी। क्या करेंगे, सारी वेंस मिलकर एक बड़ा पाइप बना लेंगी, उसको हम बोल देंगे वीना कावा। क्या नाम देंगे, हमने कहा सभी वेंस ने आकर, सभी वेंस एक जगह कलेक्ट हो गई और उन्होंने एक मोटा पाइप बना लिया जो पहुंच रहा है सीधे हार्ट के पास, उसको नाम दिया वीना कावा। अब देखो हार्ट, हार्ट हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है, लोअर साइड या अपर साइड, नहीं ना लोअर ना अपर, ये हमारी बॉडी में मिडिल में प्रेजेंट है। ठीक, यानी कुछ ब्लड ऊपर से आएगा और कुछ ब्लड आएगा लोअर रीजन से। ठीक, कुछ ब्लड अपर रीजन से, कुछ ब्लड लोअर रीजन से, यानी कुछ ब्लड सुपीरियर रीजन से और कुछ ब्लड आएगा इन्फीरियर रीजन से। ठीक है, दो रीजन हो गए बॉडी में, इन्फीरियर और सुपीरियर। तो सुपीरियर बॉडी से आने वाला ब्लड ने जो
वेन बनाई, जो वीना कावा बनाई उसको बोला सुपीरियर वीना कावा। क्या नाम दिया? सुपीरियर वीना कावा, जिसने अपर पार्ट से बॉडी के ब्लड लेकर आई, और जो पार्ट इन्फीरियर पार्ट से यानी लोअर पार्ट से लेकर आई उसको बोला इन्फीरियर वीना कावा। यानी हमारे पास अब एक मोटा पाइप हो गया, एक की वीना कावा हो गई, वो वीना कावा टू टाइप की हो गई, एक लोअर बॉडी से ब्लड डालने वाली वीना कावा और दूसरी अपर बॉडी से ब्लड लाने वाली वीना कावा। अपर बॉडी वाली को हमने बोल दिया सुपीरियर वीना कावा और लोअर वाली को बोल दिया इन्फीरियर वीना कावा। ठीक, तो ये वीना कावा दोनों कहाँ जाकर जुड़ गई? दोनों जुड़ गई राइट ऑरिकल में। ठीक, ये पूरा जो ब्लड सिस्टम आया पूरा अभी हमारा किससे आया है? ये इम्प्योर ब्लड आया है। ठीक है, ये हमारा जो बॉक्स हो गया, ये जो राइट चैम्बर हो गया हार्ट का एक जो पार्ट हो गया, जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, ये क्या हो गया? ये वो रीज़न हो गए जहाँ पर इम्प्योर ब्लड बॉडी में या हार्ट में आकर कलेक्ट हो रहा है। ठीक, अब हार्ट तो हमने कहा था, कल भी हमने बात की थी कि हार्ट तो कभी ब्लड को प्योर करता ही नहीं है। अब क्या होगा? अब यहाँ पर ये ब्लड जाएगा प्योर होने। ठीक, यहाँ क्या होगा? ये ब्लड गया प्योर होने। अब हमने एक बात कही थी कि सभी वेंस में इम्प्योर ब्लड बहता है। ठीक, अब चूंकि ये जो राइट ऑर्टिकल से वेन जा रही है, इम्प्योर ब्लड है तो वेन होगी। अब ये वेन जाएगी किसके पास? ये वेन जाएगी सीधे लंग्स के पास ब्लड प्योर करने के। लंग्स के पार ऑक्सीजन है, ये ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड आया, और हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि लंग्स हमारा क्या करता है? ब्लड को प्योर करता है, ब्लड में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, उसकी CO2 को निकाल लेता है। CO2 को निकाल लिया, उसने ऑक्सीजन को वहाँ पर दे दिया, तो इस लंग्स ने क्या किया? इस इम्प्योर ब्लड को यहाँ पर लंग्स में ऑक्सीजनेटेड कर दिया गया। अब ये काम तो ब्लड इसके बाहर हुआ है हार्ट के, तो ये हार्ट का पार्ट नहीं है। ठीक, हार्ट का काम केवल पंप करना, ये लंग्स का काम था बॉडी को प्योर, ब्लड को प्योर करना। ठीक, तो इसने क्या करा? अब ये जो हमने कहा जो वेन गई इम्प्योर ब्लड लेकर, कहाँ? लेकिन जो हार्ट से कनेक्ट कर रही है, अभी वेन गई तो है, ये तो हार्ट से ही गई है, तो इसको हमने क्या नाम दिया? हमने कहा ये वेन है। अब कौन सी वेन है? जो हार्ट तक जा रही है, इसलिए इसको हम नाम बोला पल्मोनरी वेन। यानी एक ऐसी हार्ट से जा रही है, इसको हमने सॉरी पल्मोनरी आर्टरी नाम दिया इसको। ठीक, अब हार्ट से जाने वाली, यहाँ पर आर्टरीज ऑफ वेन की एक और डेफिनेशन आ गई कि हार्ट तक आने वाली सभी जो पाइप्स हैं वो हैं वेंस, और हार्ट से जाने वाले ब्लड लेकर जाने वाले जो पाइप्स हैं वो हो गए आर्टरीज। ठीक, अब ये चूंकि ये लेकर जा रही है तो ये वेंस तो है नहीं, ये हो गई आर्टरी। अब ये इकलौती ऐसी आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड है। भाई जब हार्ट के राइट चैम्बर में ही इम्प्योर ब्लड है और यहाँ से ये लेकर जाएगी, तो इस आर्टरी के पास भी क्या होगा? इम्प्योर ब्लड होगा। यानी पूरे हमारी बॉडी में एक इकलौती एक सिंगल वन आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड को रख रही है वो है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, पल्मोनरी आर्टरी लेकर इसलिए गई ताकि मैं प्योर किया जाए। ठीक है, हुआ। अब लंग से ब्लड प्योर होने के बाद कहाँ पहुँचेगा? लेफ्ट ऑरिकल में। यानी अब तक हमारा राइट रीजन का काम चल रहा था, अब काम स्टार्ट हुआ हमारा किसका? लेफ्ट रीजन का। ठीक, तो क्या हुआ? जो प्योर ब्लड था वो किसी पाइप के थ्रू, हमने अभी हमने कहा था कि हार्ट तक आने वाली सभी पाइप्स क्या कहलाती हैं? वेन। तो ये भी क्या है? वेन। कौन सी वेन? पल्मोनरी वेन। ठीक, इसमें क्या होगा? प्योर ब्लड आएगा। नॉर्मली जो वेन्स होती हैं बॉडी की, सारी जो वेन्स होती हैं उसमें रहता है इम्प्योर ब्लड, लेकिन ये इकलौती सिंगल वन ऐसी वेन है जिसमें रहता है प्योर ब्लड। क्यों? क्योंकि ये लंग से हार्ट के लिए आ रही है, और हार्ट के लिए आ रही है लेकिन प्योर ब्लड लेकर आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आ गया, और लेफ्ट ऑरिकल ने उसको क्या करा? पहुँचाया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में चला जाए, तो फिर से इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आया वाल्व। ठीक है, यानी वाल्व का काम जो यहाँ पर था और यहाँ पर था वो इतना था कि ब्लड के बैक फ्लो को बचाना, ब्लड वापस से ऊपर ना चला जाए, वापस से पुरानी पोजीशन पर ना चला जाए, वापस से ऑरिकल में ना चला जाए, एट्रियम में ना चला जाए, इसलिए वहाँ पर वाल्व प्रेजेंट है। ये मतलब क्या है? ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है। कैसे हैं ये सिंगल डायरेक्शन वाले हैं, यूनिडायरेक्शनल है, ये बाई डायरेक्शनल नहीं है। ठीक है, ये ब्लड भी ऑरिकल से वेंट्रिकल में ले जाएगा, और ये वाला ब्लड भी वाल्व भी ऑरिकल से वेंट्रिकल में ही ब्लड को पास आउट करने के लिए अलाउ करेगा और वापस
जाने के लिए अलाउ नहीं करेगा। ठीक, अब ये ब्लड वहाँ पर पहुँचा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने इसको कलेक्ट करके पहुँचा दिया, पूरी बॉडी में पहुँचाना है। अब बॉडी में ये तो पहुँचाएगा नहीं, क्योंकि बॉडी तो आगे जाके तो बहुत जो वेंस होंगे वो क्या होंगे, वो डिवाइड होंगी, जो आर्टरीज होंगी वो सब पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो पतली हो जाएंगी, बहुत सक्रिय हो जाएंगी। तो क्या करा इसने, इसने पहले लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को कलेक्ट किया, ठीक है, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि उसको किसको जाना है, कहाँ है, कितना जाना है। ठीक है, उस कलेक्ट वाले पार्ट को नाम दिया एओर्टा। क्या किया, वही लेफ्ट वेंट्रिकल से जो सारा ब्लड आया ऑरिकल से वेंट्रिकल में, उस वेंट्रिकल से उसने वापस एक बैग में भेजा, जो हार्ट का ही एक पार्ट है, उसका नाम है एओर्टा। ठीक है, क्या हुआ, एओर्टा में सारा ब्लड कलेक्ट हो गया, और एओर्टा से बहुत सारी आर्टरीज निकलती हैं, बहुत सारी आर्टरीज जो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में ब्लड को पहुंचाने का, सप्लाई करने का काम कर देती हैं। ठीक, ये हमारा पूरा क्या हो गया, ब्लड की एक, ब्लड फ्लो की एक साइकिल हो गई। ठीक, ब्लड फ्लो की साइकिल हो गई कि ब्लड कहाँ से आया और कहाँ को गया। ठीक, तो सबसे पहले हमारा नाम क्या आया था, भाई एक हमारा नाम आया था इन्फीरियर वीना कावा, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। सेकंड नंबर आया सुपीरियर वीना कावा। ठीक है, इन दोनों से कहाँ पहुँचा ब्लड, इन दोनों से ब्लड पहुँचा हमारा राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ पहुँचा, राइट वेंट्रिकल में थ्रू ए वाल। ठीक है, ये सिक्वेंस आ रहा ब्लड का, ब्लड कहाँ कहाँ कैरी कर रहा है, कैसे कैसे किस रास्ते से होकर जा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले वीना कावा, वीना कावा के बाद राइट ऑरिकल, फिर राइट वेंट्रिकल थ्रू ए वाल। राइट वेंट्रिकल कहाँ गया, गया लंग्स में। ठीक है, अब हार्ट से बाहर निकल गया, अभी तक काम कहाँ चल रहा था, हार्ट में, अब हार्ट से बाहर निकला, लंग्स में क्या हुआ, ये प्योर हुआ, इसमें ऑक्सीजन आई, और फिर ये पहुंच गया हमारी लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल के बाद पहुंच गया लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू ए वाल्व। ठीक है, मिट्रल वाल्व बोलते हैं इसको, बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं इनको, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, इन वाल्व के भी नाम है। ठीक है, तो वाल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पहुँचा, एओर्टा। ठीक है, और एओर्टा से पहुंच गया कहाँ पर, बॉडी, फिर बाहर निकल गया। ठीक है, तो क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर दो बार ब्लड में, ब्लड का हार्ट में दो बार आना हुआ, एक बार ये और दूसरी बार ये, इसीलिए यहाँ पर एक और हमने कल नाम दिया था टर्म, डबल सर्कुलेशन। क्या बोला इसको, यानी हार्ट में दो बार ब्लड का आना और दो बार ब्लड का बाहर जाना, इसी साइकिल को हमने कहा सर्कुलेशन, या दो बार आने जाने को बोला डबल सर्कुलेशन। ठीक है, आया गया, वापस आया वापस गया, डबल सर्कुलेशन। ठीक, यानी हार्ट के फोर चैम्बर, दो हार्ट हमारा दो पार्ट में डिवाइड, या चार चैम्बर में डिवाइडेड है। ठीक, बहुत से एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनका हार्ट आपको दो चैम्बर में मिलेगा, मतलब उनका डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो चैम्बर्स में नहीं रहता, वो पार्ट में रहता है। टू चैम्बर हार्ट, थ्री चैम्बर हार्ट, फोर चैम्बर हार्ट, वन चैम्बर हार्ट, वन चैम्बर हार्ट भी मिलता है, टू चैम्बर हार्ट भी मिलता है, थ्री चैम्बर हार्ट भी मिलता है, और फोर चैम्बर हार्ट भी मिलता है। ठीक, यानी हार्ट के चार चैम्बर हो सकते हैं। ठीक, तो हमारा हार्ट, अब हमारा हार्ट फोर चैम्बर्ड वाला है, डबल सर्कुलेशन वाला है, लेकिन अगर फिश की बात करें तो फिश का हार्ट फोर चैम्बर्ड वाला नहीं है। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो उनका हार्ट फोर चैम्बर्ड वाला नहीं है, पानी चाहिए, ठीक है, तो उनका हार्ट फोर चैम्बर्ड वाला नहीं है, तो वहाँ पर उनके चैम्बर, कभी ऐसा हो सकता है कि डी ऑक्सीजनेटेड बी या ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाए, अगर ऐसा हमारे हार्ट में हो जाए, हमारी बॉडी में हो जाए, तो क्या होगा, आंटी जी पानी, ठीक है, क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, तो क्या हम प्योर ब्लड को सप्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या इम्प्योर ब्लड हार्ट में आ पाएगा, क्या ब्लड प्योर होने के लिए लंग्स के पास जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी चार चैम्बर में डिवाइड है, दो सेपरेट पोर्शन में डिवाइड है, जहाँ पर हार्ट हमारा एक चैम्बर में रखता है कम्प्लीटली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक चैम्बर में रखता है कम्प्लीटली
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि हमारी बॉडी ठीक से काम कर पाए, हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को प्रॉपर अमाउंट में क्या मिल पाए, प्रॉपर अमाउंट में उनको ऑक्सीजन मिल पाए। हमारी बॉडी की, हमारी सेल्स की ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है। हमारी बॉडी में हर पार्ट को, हर ऑर्गन्स को, हर ऑर्गन सिस्टम को ऑक्सीजन चाहिए, तो वहाँ पर ब्लड की सप्लाई साफ़ होनी चाहिए, ब्लड की सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए क्या करा, ब्लड ने अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, दो चैम्बर में डिवाइड कर लिया। एक चैम्बर कम्प्लीटली डीऑक्सीजनेटेड को रखेगा और दूसरे दो चैम्बर कम्प्लीटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारी ऑक्सीजन साइकिल, हम इसको ऑक्सीजन साइकिल भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल को बताइए, हम इसको सर्कुलेशन साइकिल भी बोल सकते हैं, हम इसको हार्ट साइकिल भी बोल सकते हैं, हम इसको हार्ट का पंपिंग भी बोल सकते हैं, हम इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमारे ये हमारी ह्यूमंस के लिए ट्रांसपोर्टेशन है। अब हार्ट ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब जब हार्ट ने ब्लड को सप्लाई कर दिया, तो अब सोचो ब्लड ने ऐसा क्या लेकर गया, या ब्लड में ऐसा क्या था कि उसने हार्ट साफ और गंदा खून या ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के टाइप में आया, ठीक। तो अगर हम ब्लड की बात करें, तो जो हमारा ब्लड है, ठीक, अगर ब्लड की बात करें, तो ब्लड हमारा क्या बना हुआ है, कई चीज़ों से मिलके बना हुआ है। जैसे RBCs, ये नाम वो है जो आपने सुन रखे होंगे पहले, ठीक है। RBCs, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। हार्ट जो ब्लड को सप्लाई कर रहा है, उस ब्लड में RBCs मिल रही हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स मिल रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स मिल रही हैं। इसके अलावा WBCs, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स मिल रहे हैं, वाइट ब्लड सेल्स मिल रहे हैं। इसके अलावा प्लेटलेट्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि हार्ट किस चीज़ का बना है, ठीक है। हार्ट के बारे में थोड़े से और फैक्ट भी बताऊंगा मैं इसको बताने के बाद, ध्यान सुनिएगा, ठीक। क्या हुआ, प्लेटलेट्स भी हैं, ये बड़े कॉमन से टॉपिक हैं, इसलिए बहुत जल्दी दे रहा हूँ, ठीक है। WBC, ये हम लोग सब ने सुन रखे हैं कि WBC होती हैं, RBC होती हैं। RBC मतलब रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, रेड का मतलब हीमोग्लोबिन, है ना। रेड क्यों था, ब्लड हीमोग्लोबिन, यानी इसमें रेड टाइप की, रेड कलर की सेल्स हैं। वाइट मतलब ये वाइट कलर की सेल्स हैं, हीमोग्लोबिन एब्सेंट है। प्लेटलेट्स ये कुछ टुकड़े हैं सेल्स के। इसके अलावा चौथी चीज़ क्या है, चौथी चीज़ है प्लाज्मा। भाई जब ये तीन सेल्स रहेंगी, ये तीन सेल्स बह रही हैं ना, फ्लो हो रही हैं, ब्लड क्या कर रहा है, फ्लो करने का काम कर रहा है ना, तो फ्लो कर कौन पा रहा है, प्लाज्मा। बॉडी में लिक्विड पार्ट फ्लो होता है, इस प्लाज्मा के अंदर क्या हो रहा है, ये तीनों चीज़ रह रही हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। सबका अपना अपना फंक्शन है। RBC क्या करेगी, हीमोग्लोबिन है, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करने का काम आता है। अगर ऑक्सीजन आपकी सेल में कहीं से ऑक्सीजन मिल गया लंग्स के पास, वहाँ पर ब्लड आया, RBC आई हीमोग्लोबिन लगा, उसने ऑक्सीजन को जोड़ लिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। हीमोग्लोबिन अकेला था, ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया, अब तैर रहा है आराम से पूरी बॉडी में। उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को क्या करा उसने, एक्सचेंज कर लिया, O2 को दे दिया, CO2 को ले लिया, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, ठीक है। क्या हुआ, ये भाई ये तो हो रहा है बॉडी में, ऑक्सीजन लगातार पहुंचाई जा रही है और CO2 लेकर आया जा रहा है, तो क्या था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में चेंज हो गया, मतलब उसने अपनी ऑक्सीजन डोनेट कर दी। RBC का काम ऑक्सीजन कैरी करना, ठीक। प्लाज्मा क्या करेगा, भाई इसके पास और भी मटेरियल्स हैं कैरी होने के लिए, शुगर है, एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स बन रहे हैं वो हैं, वो भी तो ब्लड के थ्रू ही कैरी हो रहे हैं। पढ़ी थी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तो वो ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं, हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं। वो हार्मोन कहाँ जा रहे हैं, ब्लड में, ब्लड के प्लाज्मा में बुझा के डिजॉल्व हो जाएंगे, और प्लाज्मा जब जाएगा तो उनको कहीं पर उनकी जगह पर छोड़ता हुआ आगे निकल जाएगा, प्लाज्मा का वर्क हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें WBCs की, तो ये फाइट का काम करती हैं। भाई ऐसा भी हो सकता है हमारे ब्लड में कुछ एक्स्ट्रा पैथोजेंस, कोई ऐसे एक्स्ट्रा मटेरियल, कोई वायरस, बैक्टीरिया या कुछ ऐसा आ जाए जिनको बॉडी से निकालना ज़रूरी हो, जिनको बॉडी से लड़ना ज़रूरी हो, जिनको बॉडी में नहीं रहने देना ज़रूरी हो, उसका काम WBCs काम करेंगे, ये इनसे फाइट करेंगे। इसके अलावा अगर कहीं आपको चोट लग गई तो आपको उस वाउंड को हील भी करना पड़ेगा, तो वहाँ प्लेटलेट्स काम करती हैं वाउंड को हील करने का,
ठीक है, सबका अपना फंक्शन है, ठीक है। तो आरबीसी का फंक्शन मेनली ऑक्सीजन और CO2 कैरी करना है, WBC का फंक्शन फाइट करना है पैथोजन से, प्लेटलेट्स का वर्क बाउंड हील करना है, और प्लाज्मा का वर्क क्या है, शुगर, हार्मोन्स, केमिकल्स, प्रोटीन्स, इन सबको बॉडी में कैरी करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, लेकर जाना है। सबका काम ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, लेकिन इसका काम मेन शुगर को ट्रांसपोर्ट है, इसका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। खाना खाया, इसने ट्रांसपोर्ट कर दिया न्यूट्रिएंट्स को, रेस्पिरेशन किया, ऑक्सीजन को आरबीसीज के हेल्प से ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो ये मेन पार्ट है, ये मेन है हमारे ब्लड, मेन है सर्कुलेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक। आगे जो भी है वो बात करते हैं कल, ओके, चलो बाय।